अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कुछ कागज रद्दी बन जाते हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ कीमत कागज की नहीं उन पर लिखे शब्द की होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि कीमत तन की नहीं बल्कि गुण की होती है। इसी थॉट के साथ आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। हाँ, वो तो बोला था कि दारू का भट्टी सामने में है। हाँ, दारू की बोतल में दारू की भट्टी उसने बताया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो देखिए फ्रेंड, मैं अभी दोपहर का टाइम है और मैं आ गई हूँ यहाँ न्यू फ्लैट देखने के लिए। और ये है यहाँ जीने, और इधर लिफ्ट भी है, लेकिन हम लोग जीने से ही आए हैं। और ये है फ्लैट। तो फ्लैट देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे सामान पैकिंग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा सामान तो पैकिंग कर लिया है, और भी बहुत कुछ है पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सामान को पैकिंग कर रहे हैं। गए थे देखने के लिए कल दोपहर में, और आज दूसरा दिन है। तो आज सुबह सुबह खाना बना लिए, जो भी खाना था। तो खाने में बनाए हैं सिंपल सा भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और सेवई बना लिए थे, और खाना खा लिए थे। और बाकी जो बचे थे सभी को टिफिन में पैक कर लिए थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद थक जाते तो फिर खाना बना नहीं पाते, इसलिए यहीं से बना लिए हैं और बस रख लिए हैं। और यहाँ पर देखिए सारे सामान पैकिंग हो गए हैं, और अब हम लोग निकलेंगे वहाँ के लिए। तो बस हेलो फ्रेंड, वेलकम माई चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह से लगी हुई हूँ रूम शिफ्टिंग करने में। तो देखिए सभी सामान को पैक कर ली हूँ, और अब बस जाने वाली हूँ। तो आपसे सीधा वहाँ मिलूँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। और अब देखिए फ्रेंड, मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। आ तो गई थी, हम लोग 3 बजे ही आ चुके थे, लेकिन 3 बजे से हमारा यूट्यूब का भी काम होता है, तो उसे पूरा करने के बाद मैं यहाँ 6 बजे से स्टार्ट हुई थी सफाई करने के लिए। और बिना सफाई किए बिछावन पर सो भी नहीं सकते थे, इतने गंदे थे कि रहा भी नहीं जा रहा था। तो पहले साफ़ करना ज़रूरी है। और मैं काम जो भी है 2 दिन पर छोड़ती नहीं हूँ, जितना काम है मैं रेगुलर निपटाती हूँ एक साथ में, और जल्दी जल्दी एक साथ में निपटा लेती हूँ, तो समय अपने लिए बच भी पाता है थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, पहले रैक को मैंने झाड़ दिया पेपर ऊपर लगा करके, पहले उस पर कपड़ा लगा दे रही हूँ। कपड़े को बैग में से निकाल करके सारी अलमारी में लगा दूँगी, उसके बाद ऊपर से जाला झाड़ूँगी, बैग को रख दूँगी अंदर में, ताकि उन जाला झाड़ूँ तो उन सब पर गंदा ना गिरे। तो यहाँ देखिए जाले को झाड़ दी हूँ, और ये पंखा भी इतने सारे ब्लैक हो रखे थे पूछो मत, इसको भी साफ़ करने में बहुत मेहनत पड़ा था, बहुत ज़्यादा इसमें जाले फंसे हुए थे जो निकल भी नहीं रहे थे। इन सब की सफाई करने के बाद सभी को साफ़ किए हैं जितना भी है, और सभी फर्नीचर को भी रगड़ रगड़ के साफ़ किए हैं। अभी और भी सामान सबको सही ढंग से एडजस्ट करना है, लगा हुआ अभी नहीं है सामान। यहाँ पर पहले मैं बेड को झाड़ के बेड लगा देती हूँ, क्योंकि बेटा थोड़ा आराम करेगा, वो भी तो थका हुआ है। और ये सबको भी मैं एक जगह पर एडजस्ट करके इसके भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पोछा लगा देती हूँ इसमें भी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे चैनल पर, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो फिर क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं? सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, पैसा तो लगता नहीं है, फ्री का तो है। अगर पैसा लगता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती आप लोगों से। और लाइक करने में भी पैसा नहीं लगता है, तो लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक भी बहुत कम करते हैं आप लोग। और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल है, तो इसके पीछे इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ, और इसमें भी सारे सामान को एडजस्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग चैनल है, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे ब्लॉग चैनल हैं और सभी के, लेकिन लाइफ स्टाइल अपनी ज़िंदगी सबके अलग अलग होते हैं, सबके तौर तरीका अलग अलग होते हैं, सबके काम करने के तौर तरीका अलग अलग होते हैं, सबके घर की स्टोरी भी अलग अलग होती हैं। तो हमें भी सपोर्ट करें और हमारे वीडियो पर भी आया करें, और देखें कि मैं कैसे काम करती हूँ, मेरे काम करने का क्या तौर तरीका है। तो यहाँ देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गए हैं, और घर के सारे काम हो गए, ऊपर से सफाई, तो नीचे बस बचे हुए थे झाड़ू लगाने, तो मैंने ये झाड़ू लगा लिए, और बहुत सारे कचरे निकले थे। शाम के टाइम में तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी ये 8 बज रहे हैं तो लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि इतना गंदा था तो रह नहीं सकते थे ना, इसलिए मैं कही कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं, इसे कचरा को बाहर नहीं फेंकेंगे, कचरा को एक कोना में रख देंगे। घर शिफ्टिंग करना, हालत ख़राब हो जाते हैं,
वहाँ भी सामान समेटो, फिर वहाँ से यहाँ आकर लगाओ, एडजस्ट करो। तो दूसरी वीडियो में किचन की सफाई आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं इधर आ गई हूँ तो इन सबको भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पोंछ ले रही हूँ। पहले हल्के से गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ। ये सब में गर्दे बैठे हुए थे तो देखिए सभी को मैं अच्छी तरह से झाड़ दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, इन सब की सफाई करते करते तो आप समझ सकते हैं 5-6 बजे से स्टार्ट की थी तो करते करते रात हो गए थे और मैं इतनी थक गई थी कि मैं किचन की सफाई भी नहीं कर पाई थी और पूरे बदन में भी दर्द हो रहे थे। वहाँ से भी सारे सामान को पैकिंग करना, समेटना, फिर यहाँ ला करके यहाँ एडजस्ट करना, बहुत समय बर्बाद हो जाते हैं और शरीर तो थक ही जाते हैं। सबको पैकिंग की थी उसके बाद से यहाँ लाना और फिर यहाँ एडजस्ट करना, करते करते तो 10-11 बज गए थे और मेरे पूरे बदन में दर्द भी हो रहे थे। तो फिर मैं घर को पोछा ओछा लगा करके सो गई थी, खाना खा करके। खाना तो बना हुआ था। और बस फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।